एक भी रैन बसेरा बनाया? रैन बसेरा बनाया कहां कहां बनाया? जो रैन बसेरा बना हुआ है उसकी क्या स्थिति है? वर्किंग लेडी के लिए क्या हॉस्टल की व्यवस्था है, वगैरह वगैरह। मगर यहां जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, तो जगह जगह आप कम से कम 10 को इस पटना शहर में स्मार्ट सिटी के तहत, योजना के तहत अगर रैन बसेरा बनवाते तो समझ में आता। जो विवाह भवन वगैरह बना हुआ है आपके टाइम का नहीं बना हुआ। अच्छा तुरवा दिए तो अच्छा है, अपना ही 10 तल्ला बनवा देंगे, ठीक है। मगर महोदय जो पटना जैसा शहर है, अब आजकल यहां शादी ब्याह वगैरह वगैरह के लिए अब लगता है उससे मिली साठ गांठ है या क्या है कि बेली रोड में एक से एक अच्छा हॉल बना, मगर सरकारी हॉल जैसे दिल्ली में बना हुआ है। आप जो है एक बना हुआ था राजेंद्र नगर में, लोहिया नगर में, तो उसका भी बंटाधार कर दिया। मगर विभिन्न कॉलोनियों में अच्छा सुंदर उसी मैरिज हॉल की तरह अच्छा, आप जो है स्मार्ट सिटी में कम से कम इस वित्तीय वर्ष में 5-10 कर दीजिए तो बहुत अच्छा, सिटी से लेकर दानापुर तक। तो यही कह के महोदय, ये पैसा का खर्च सार्थक खर्च हो और जो घोषणा करते हैं उस पर अमल कीजिए। थोड़ा आपके शहर से जाते हैं दरभंगा, उसका भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।